Good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Assistant Professor in Chemistry, MLB Government College, Bhilwara. Friends, हम लोग आपके पेपर थर्ड है, इस पार्ट थर्ड का, उसमें काइनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, कंप्लीट कर चुके थे. उसमें लास्ट के जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थे उनको हमने लास्ट लेक्चर में शुरू कर दिया था. और मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं उनकी ये क्वालिटी होती है कि वो दो या दो से ज्यादा सरल पदों में संपन्न होती है, और उसका हर एक जो सरल पद है उसकी जो हर एक पद है वो एक सरल पद कहलाता है सभी क्रिया का, है ना. जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, जिसमें कि तो वो हमने देखा था जिसमें कि रिवर्सिबल रिएक्शन थे, जिसमें ए एक कोई कंपाउंड है उससे बी बन रहा है और वापस बी से ए बन रहा है. तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है ये कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, तो इसके लिए जो रेट कांस्टेंट हमने निकाला था वो जो सिंपल रिएक्शन होती है उनके द्वारा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के रिएक्टेंट है, दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं. अगर हम इसको इस तरह बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसके लिए तो प्रोडक्ट बी बन रहा था इनिशियली, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बी जो है वो एक रिएक्टेंट के रूप में काम करने लग जाता है और ए उसका प्रोडक्ट हो जाता है. तो ये सिंपल रिएक्शन नहीं थी, है ना. इस तरह की रिएक्शन हमने, ये रिएक्शन हम लास्ट टाइम कर चुके थे, जिसमें कि एक हमने कंडीशन डाली थी कि जब इनिशियली जो बी है उसकी कंसंट्रेशन जीरो है, और दूसरी हमने कंडीशन ये ली थी कि जब बी की कंसंट्रेशन है वो बी मोल पर लीटर है. इस तरह ये हम ड्राइव लास्ट क्लास में कर चुके थे. आज हम दूसरी एक जटिल अभिक्रिया है उसको पढ़ेंगे, जो कहलाती है क्रमागत प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव और सक्सेसिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, ये आज हम शुरू करेंगे. तो जैसा आपको दिख रहा है कि क्या होती है क्रमागत प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसमें क्या होता है. ओके, इसमें क्या होता है कि एक कोई रिएक्टेंट है, सपोज ए है, है ना. हमारा उद्देश्य या हमें जो दिखाई दे रहा है वो होता है ए से प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज सी. तो अगर इस तरह एक रिएक्शन होती है जिसमें कि एक रिएक्टेंट है और इट गिव्स प्रोडक्ट डायरेक्टली सी, ये एक सरल पद होता. ओके, ये एक सरल पद होता और ये अभिक्रिया एक सरल अभिक्रिया होती, और इसकी सिंपल काइनेटिक्स से हम इसका केमिकल काइनेटिक्स से ड्राइव कर सकते रेट कांस्टेंट को. लेकिन जब इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट निकाला जाता है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है या मॉलिक्युलरिटी निकाली जाती है, तो वो नहीं आती है जो हमें दिख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ओके, तो इसलिए इसके लिए अलग से इसकी स्टडी की गई जब, और इसका मैकेनिज्म दिखा गया, तो ये पता चलता है कि ये रिएक्शन एक सरल अभिक्रिया नहीं है. बल्कि रिएक्शन किस तरह होती है, एक रिएक्शन में जो हमने ए सपोज जो रिएक्टेंट लिया था वो पहले एक दूसरे कंपाउंड बी में बदलता है, और जो बी है वो फिर तीसरे जो हमारा प्रोडक्ट रियल हमें चाहिए उसमें बदलता है. इसे हम कहते हैं सक्सेसिव और कॉन्सिक्यूटिव. तो ए से बी बना और बी से सी बना, तो बी के लिए ए रिएक्टेंट है और सी के लिए बी रिएक्टेंट है. ओवरऑल हमें मिल तो वही रहा है कि ए से हमें सी मिल रहा है डायरेक्ट, है ना. लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन के बीच में एक बात हमें और दिखाई दे रहा है जो बनता है, है ना. इसके काइनेटिक्स में दो तरह के रेट कांस्टेंट हो जाते हैं, एक को हमने नाम दिया है K1, दूसरे को नाम दिया है K2. कुछ बुक्स में ये K1 है ना और K1 डैश, कुछ भी इसको नोटेशन दे सकते हैं. उस नोटेशन को हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमें समझने के लिए होता है. तो यहां पर हमने इसको नाम दिया K1 और K2, ठीक है. अब ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जटिल अभिक्रियाएं, उनमें बहुत ही ध्यान देने की चीज है कि हमेशा जो भी सबसे धीमी अभिक्रिया वाला पद होगा वही वेग निर्धारित करेगा, वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, ठीक है. जो भी स्लोएस्ट स्टेप होगा हमेशा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. इसको कि मैंने साइकिल बनाने के उदाहरण से आपको समझाया भी था, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेशन, इसके लिए भी हम रेट कांस्टेंट डिराइव करेंगे. तो सबसे पहले हमने ये मान लिया है कि जो ए है
उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, सबसे पहले तो ए ही लिया हमने जो हमारा रिएक्टेंट है ना, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज ए जो मैंने यहाँ लिखा है, ये टाइम जीरो पे, टाइम जीरो है उस पर इस ए की जो ए हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल ए से डिनोट किया हमने, ए है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम रिएक्शन शुरू हुई थी टाइम जीरो है तब हमारे पास सिर्फ एक है तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो बी क्या होगा, जीरो होगा, सी भी यहाँ पर जीरो होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये जीरो एंड दिस वन जीरो, ओके ये क्लियर हो जाना चाहिए टाइम जीरो पे। अब कुछ थोड़ा समय गुजरा तो टाइम टी हो गया, कोई भी समय हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड आधा घंटा एक घंटा, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये सपोज टी बराबर टी टाइम हो गया, उसके बाद में जो ए कैपिटल ए हमारा रिएक्टेंट था उसके हमारे एक्स मोल बचे हैं पीछे, क्योंकि कुछ मोल क्या होंगे उस समय बाद प्रोडक्ट में चेंज होने लग जाएंगे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा वो कुछ ए था वो बदल जाएगा बी में, तो माना कि उस सब पर्टिकुलर समय पे वाई मोल बी के प्रेजेंट हो गए, ठीक है, एक्स मोल तो ए के प्रेजेंट है, वाई मोल बी के प्रेजेंट है। तीसरा, उसी समय में टी समय में जब ए बी में चेंज हो रहा है उसी पर्टिकुलर समय में कुछ बी सी में भी चेंज होगा, क्योंकि ये क्रमागत रिएक्शन है, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है, सक्सेसिव रिएक्शन, एक से दूसरा स्टेप चलेगा ही चलेगा ना, एक स्टेप क्योंकि ये वाला आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ेगा तो सी भी कुछ ना कुछ बनेगा, और यहाँ हमने डिनोट किया है सी को जेड, तो जेड मोल पर लीटर सी के अवेलेबल हो गए टाइम टी पे, वाई मोल पर लीटर बी के अवेलेबल हो गए टाइम टी पर, और एक्स मोल पर लीटर ए के अवेलेबल हो गए टाइम टी पर। तो जब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाया जाता है, मास जो संरक्षण का नियम है उसको लगाते हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी दैट इज ए, ये जरूर जरूर से इक्वल होगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज इनिशियली हमने जो हमारा ए है उसके 10 ग्राम लिए सपोज, ठीक है, कुछ टाइम बाद हमारे इस 10 ग्राम जो ए था ये इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें 5 ग्राम सपोज वाई में बदल गया, ठीक है, और वाई से 3 ग्राम सपोज जेड में बदल गया, तो बचा हुआ एक्स होगा वो ऑब्वियसली 2 ग्राम होगा, ये 2 ग्राम होगा, तो ये 2 प्लस 5 प्लस 3 इट शुड बी 10। तो दिस इज अ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन नियम रोल, तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए हो। अब हम आगे देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ए है हमारा ये जो है इसकी सांद्रता में होने वाली कमी, इसकी सांद्रता में होने वाली कमी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमने मान लिया टाइम टी की बात कर रहे हैं, टाइम टी पे कमी होगी, इनिशियली तो हमें पता ही है कि वो ए है, टाइम टी की बात करते हैं, तो टाइम टी पर क्योंकि ए हमने मान लिया है टी इज इक्वल टू टी पर टाइम टी पर जो ए है उसके एक्स मिल जगह है और वो एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो हमने यहाँ लिखा है माइनस डी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के वन और एक्स, एक्स उसकी कंसंट्रेशन हो गई और के वन उसका रेट कॉन्स्टेंट, यही तरीका होता है ना, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन जो भी कंसंट्रेशन टर्म है यहाँ एक्स, यही तरीका है। तो ये इसकी अभिकारक एक ही सांद्रता में होने वाली कमी है, क्योंकि अभिकारक है तो इसमें कमी आएगी। दूसरा, अभिकारक था ए है ना, प्रोडक्ट बना, सबसे पहले क्या बनेगा ये हमने देखा ऊपर, अभिकारक ए इसे प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले बी, तो बी एक प्रोडक्ट है तो प्लस बी लिया जाएगा, कितनी कंसंट्रेशन होगी टाइम टी पर, टाइम टी पर कंसंट्रेशन है वाई, यही देखा हमने, यहाँ हो जाएगा प्लस के डी वाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के वन माइनस एक्स माइनस के टू वाई, ये कैसे लिया के वन एक्स तो ये ऊपर से ये कैसे आया समझिए, के वन एक्स कैसे आया, के वन एक्स तो वो रेट कांस्टेंट है जिससे कि ए चेंजेस टू बी, ठीक है, ए बी को चेंज हो रहा है, तो ये तो आगे पॉजिटिव में इससे बी बन रहा है हमें, है ना, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है उस बी से सी भी तो बन रहा है आगे, तो जिस रेट कांस्टेंट से बी से सी बन रहा है वो है के टू वाई, वाई क्या है, वाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट द टाइम
टी, टाइम टी पर जो बी की कंसंट्रेशन दैट इज वाई, तो ये हो जाएगा ना के टू वाई। ओके, जैसा मैंने दिखाया था यहाँ के वन एक्स था, यहाँ के टू वाई हो जाएगा बी के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस टी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन एक्स माइनस के टू वाई। तो ये है बी के बनने की दर। अब तीसरा देखिए, तीसरा है सी के बनने की दर। तो सी कैसे बन रहा है, सी बन रहा है ए टू बी टू सी। तो डायरेक्टली अगर अपन देखें तो हमारे लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बी से सी बन रहा है, बी की कंसंट्रेशन टाइम टी पे है वाई, ये क्या हो जाएगा, और सी की कंसंट्रेशन है जेड, जेड क्योंकि ये रिएक्ट प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, तो ये प्लस में लिखेंगे प्लस डी जेड अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के टू वाई। के टू इसका रेट कॉन्स्टेंट है, यहाँ हमने लिखा है ऊपर है ना, और वाई की कंसंट्रेशन होगी। ये सिंपली ये क्या हो गया, सी के बनने की दर। तो तीनों चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, पहली ए की सांता में होने वाली कमी, दूसरी बी के बनने की दर, और तीसरी सी के बनने की दर। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर वन हमने लिखा है ये वाला माइनस जी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन एक्स, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये इक्वेशन है, तो माइनस जी एक्स अपॉन डी टी था, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ डी टी था, फिर डी टी को हम इधर ले गए, और के वन एक्स था, एक्स को हम यहाँ लिया है, बस इतना ही किया इसमें। अब इस इक्वेशन का हम करेंगे समाकलन, करेंगे समाकलन। तो जैसा हमने पहले देखा है समाकलन कैसे होगा, माइनस एल एन एक्स हो जाएगा, ये तो मिटा देते हैं जस्ट मिनट। तो माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू के वन टी प्लस सी, ये इसका समाकलन हो गया इक्वेशन नंबर फोर का। यहाँ पर c क्या है, ये पीछे हम देखते आ रहे हैं शुरू से, c इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक है। तो हम यहाँ पर वही कंडीशन लगाएंगे जो हम पीछे लगाते आ रहे हैं, एंड दैट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हम वहां क्या करते थे t इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू जीरो, पर यहाँ ऐसा नहीं है, वहां करते थे t इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्या है t इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू a। क्योंकि x क्या माना है हमने यहाँ पर, x माना है a की, a लिया है हमने उसकी कंसंट्रेशन, है ना, a की कंसंट्रेशन माना है ना, a की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी a, इनिशियल कंसंट्रेशन a है, तो टाइम जीरो, टाइम जीरो पे क्या हो जाएगा x a हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे वही तो माना जाएगा, तो x इज इक्वल टू a हो गया। इसको जब हम पुट करते हैं क्वेश्चन 8 से क्या जाएगा, माइनस एल एन ए, एक्स की जगह हमें जो एक्स था इस जगह में पुट कर दिया है ए को, ये जो ए एक्स है ना, इस एक्स की जगह पुट कर दिया है हमने यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए, ये टी है, ये हो गया है यहाँ से जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के वन इंटू जीरो, ये टर्म हो जाएगी जीरो, प्लस सी हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस एल एन ए। इस वैल्यू को हम यहाँ से उठा के वापस रख देंगे इक्वेशन नंबर आठ, कंडीशन लगा दी टाइम इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू की वन टी माइनस माइनस एल एन ए, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे, प्लस एल एन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, देन के वन टी इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस का है तो ये ऊपर चले जाएगा, तो एल एन ए अपॉन एक्स, यहाँ तो समझ में आ गया होगा k1t is equal to ln upon x, आगे बढ़ते हैं। Now इसको हमने उल्टा कर लिया, जो ln a upon x था उसको ले लिया माइनस, ये ऊपर चले जाएगा x upon a that is equal to k1t, और x is equal to a e minus k1t, तो ये x को लिखने का तरीका है। ये क्या बता रहा है कि जो a की सांद्रता है, ए हमारा रिएक्टेंट नंबर वन है, जो उसकी सांद्रता जो होती है वो समय के साथ चर घातांकी रूप से घटती है, चर घातांकी रूप से घटती है, और अगर इसे ग्राफ से हम दिखाएं तो ये अगर सी है ये टी है, इस तरह चर घातांकी रूप से ये घटती जाती है, ये ग्राफ नीचे बना के दिखाएं,
ये है किसके लिए, ग्रेफ है ए की सांद्रता के लिए। एक ही सांद्रता चर घातांकी रूप से धीरे 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 घटती जाती है। कहां जाएगी वो, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसमें घटती जाती है। ये हो गया एक्स का मान। अब हम निकालेंगे वाई का मान। एक्स का मान समझ में आ गया हो, ए माइनस के वन टी, तो एक्स का मान हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे हम वाई का मान। तो y का मान जो इक्वेशन 5 लिखा था हमने, dy upon dt that is equal to ये लिखा था ना, k1 आ गया इक्वेशन नंबर 5। तो दिस वन dy upon dt is equal to k1 y minus k2 y, इसमें x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू निकाली है, ये आ गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 था, इसमें इनपुट कर दिया है ये dy upon dt k1 x था यहाँ पर k1 x, x की वैल्यू हमने पुट कर दी है ऊपर से। तो x की वैल्यू क्या है, a e minus k1 t, ये x की वैल्यू ये पुट कर दिया हमने। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसका हल आपकी बुक के लिमिट से बाहर है, आपके सिलेबस से बाहर है। जो डेरिवेशन है वो मैंने नहीं लिया है, तो डायरेक्टली जो उसका हल आता है वो आपके काम का, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो वो आता है y इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के टू माइनस के वन ई के वन टी माइनस ई के टू टी, ये हमारा y की वैल्यू हो जाती है। x की वैल्यू ऊपर निकाल ली हमने, ये y की वैल्यू आ गई है ना। और हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, जैसा कि मैंने बताया था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के नियम से। तो ये हो गया, तो हमें क्या a की वैल्यू पता है, x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a माइनस x माइनस वाई, ठीक है। ये जो वैल्यूज हमने निकाली थी उनको हमने पुट कर दिए यहाँ पर, ये हो गया जेड इक्वल टू ए माइनस ए माइनस के वन टी, ये क्या है x की वैल्यू है, ऊपर देखा था हमने ये k1 a k2 माइनस k1, ये सारा ये क्या है y की वैल्यू, तो y वैल्यू इस दो x वैल्यू, ये a है a माइनस x माइनस y, ये जेड की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है k2 माइनस k1, तो ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नीचे भी आएगा क्योंकि तो हम एलसीएम देंगे। तो ये a अपॉन k2 माइनस k1 अंदर आ जाएगा, k2 माइनस k1 माइनस k2 माइनस k1 e माइनस k1 t माइनस k1 e माइनस k1 t और k1 e माइनस k2 t, ये वाला पार्ट। तो इसको अब जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो k2 माइनस k1 ये माइनस रहेगा, माइनस k2 ये से मल्टीप्लाई कर लेंगे k2 को, तो e माइनस k1 t, ये माइनस माइनस दिस वन प्लस हो जाएगा, ये जाएगा k1 e माइनस k1 t, ठीक है। और ये दो टर्म हमारे पास पहले से ही है, माइनस के वन ई माइनस के वन टी और प्लस के वन ई माइनस के टू टी, ये दोनों अपने आप में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस है सेम वैल्यू है। तो नीचे हमारे पास एक्सेप्ट आ जाएगा ए अपॉन के टू माइनस के वन के टू माइनस के टू माइनस के वन ई माइनस के वन टी ए वन आएगा। लेट मी चेक, के टू माइनस के वन के टू माइनस हमारे पास जेड की वैल्यू। अब अगर इनको ड्रॉ करें अलग अलग, एक ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग आता है और समझ में भी आता है कि ऐसा क्यों होता है।
तो ग्राफ किस तरह का देखते हैं, सबसे पहले तो ए का ग्राफ हम देख चुके हैं कि वो चर घातांक के रूप से घटता जाता है, तो अगर इसको हम इसमें बनाए तो ये चर घातांक के रूप से अगर हम बी की बात करें तो क्या हो रहा है, ए टू बी, ठीक है, तो जैसे जैसे ए घटेगा वैसे वैसे बी बनता जाएगा, ठीक है, तो बी क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम के साथ बी की वैल्यू बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, लेकिन जब बी बन रहा है तो बी से धीरे धीरे क्या होगा, सी भी बनने लगेगा, तो एक टाइम पे आके बी की वैल्यू फिर घटने लगी घटने लगी घटने लगी ये घटने लगी, तो b पहले बढ़ता है फिर कम होता है, ओके, a समय के साथ कम होता जाता है, और अगर c की हम बात करें तो c क्या हुआ, इनिशियली तो कुछ भी नहीं है, फिर b बनेगा और b से फिर c होगा, बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये c लगातार बढ़ता जाता है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये तो हो गया ग्राफ को e, दिस इज ग्राफ को बी, दिस इज को सी, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके एग्जांपल की बात करें तो एथिलीन ऑक्साइड का जो विघटन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है वो ये कहलाता है, इससे हमें मीथेन और कार्बन से मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको मान लीजिए आप, जैसे ये कुछ लिख रहा है आपको, यहाँ पर इसको मान लीजिए आप, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया सिंपली, दिस इज सी, ये आपका K1 हो गया, ये आपका K2 हो गया, ये रिएक्शन है कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन, सक्सेस रिएक्शन और क्रमागत रिएक्शन का उदाहरण है। आज हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ा, क्रमागत रिएक्शन, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी सॉरी, उसमें हम लास्ट वन है जो पैरेलल रिएक्शन कहलाती है वो पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।